रहे हैं कि हमारा मंदिर हमें चाहिए। गवर्नमेंट सरकार से भी हम यही कहते हैं कि हमारा मंदिर हमें बना के दिया जाए। ठीक हो गया, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इधर आ जाएं, आप इधर आए, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मंदिर हमें वापस बना के तैयार करके दिया जाए। आपको कोई उम्मीद है कि ये वापस मंदिर बना के दिया जाएगा? जब आप लोग आ गए तो उम्मीद बन गई है। बहुत शुक्रिया। देखें, ये मैं अकेला यहाँ पे आया, हमें हमारा किसी हाल में हमें मंदिर चाहिए, हमारा पूजा पाठ करने का है, तो हमें चाहिए। हमें बिल्कुल बड़े हो गए, हमारे थोड़े हमारे अच्छा ले जाए। आपकी इतनी पाकिस्तान में टूटा मंदिर, वहाँ के हिंदू रो रहे हैं। भाई पाकिस्तानी हिंदू रोना देख के आप चौंक जाएंगे कि पाकिस्तानी हिंदू क्यों रो रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में मंदिर तोड़ने के बाद वहां पे एक मीडिया गई है और हिंदू से जो है सवाल जवाब की है। भाई उनका रिएक्शन देख के, वहां के हिंदू की हालत देख के आप चौंक जाएंगे कि भाई हिंदू ऐसे कैसे रो सकते हैं। लेकिन उससे पहले दुबई से कहीं बयान है, दुबई से अपने गुस्से में ऐसी बात बोल दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी और सुननी समझनी बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा पाकिस्तान, वहां की मंदिर तोड़ने के बाद जो है वहां के हिंदू क्या बोलते हैं, पहले आप उनका रिएक्शन देखिए। कि हमें हमारा मंदिर दिया जाए, और रेखा नामी शख्स जो लेडीज है वहां पे, उसे अठा के ये मद्रासी कम्युनिटी की मंदिर है, हमें दिया जाए। दिया जाए, और मेरा भी ये कहना है जिसका राइट है वो राइट उसे जरूर दिया जाए, ये पाकिस्तान का कानून कहता है। पाकिस्तान गवर्नमेंट से इस केस को अब जो है लीगल वे पे लेके जाए। कब तक हम बोलते ही रहेंगे? पाकिस्तान मीडिया जितने इदारे वो तश्खीस के लिए क्यों नहीं आ रहे? वो आए वहाँ पे विजिट करें, गुनहगार को सजा मिले और जो सच्चे उनको राइट मिले। तब तक ये मंदिर हमारे इस तरह खंडर बन के पड़ा रहेगा। ये पूरी दुनिया में इस वक्त जो है ना पाकिस्तान की जो है ना एक इमेज खराब हो रही है डेफिनेटली, और ये उन अदारों के लिए सवालिया निशान है, ये मीडिया वालों के लिए सवालिया निशान है कि वैसे हम दुनिया के दूसरे कंट्रीज में ह्यूमन राइट की बात करते हैं, ये बात करते हैं कि मुसलमान बर्मा में क्या है, फलस्तीन में क्या है, पाकिस्तान में मिनोरिटीज की अगर बात करें तो मैं ये समझता हूँ ये इंटरनेशनल मीडिया में ये चीजें जाती हैं। हमें अपने पाकिस्तान के इमेज का भी ख्याल रखने की जरूरत है। क्या कहेंगे केस के हवाले से, क्या कहेंगे? आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ की अगर बात करें क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रूफ तो हमारे पास है, और अब तो सोशल मीडिया पे उसकी जो रेखा की बहन है वो खुद आके कह रही है कि मंदिर जो है उसके सारे प्रूफ मेरे पास भी हैं, और जो सारी चीजें बोला जिसको चाहिए नेक्स्ट वीडियो में, उसने कहा है कि मैं एविडेंस प्रूफ भी जो है ना मीडिया के आगे शो भी करूंगी। अच्छा, यानी रेखा जो ये क्लेम कर रही है कि ये हमारा घर था, वो उनकी सिस्टर ये कहती नजर आ रही है कि ये मंदिर है। मंदिर है क्योंकि उसको खुदा का डर है, भगवान का डर है, इसलिए वो जो आके ये कह रही है कि ये हमारा घर नहीं, ये मंदिर है और मद्रासी ट्रस्ट है। अच्छा अच्छा, एक बड़ी चीज जो अभी तक इस केस में जितनी भी वीडियो रिकॉर्ड की गई मेरे चैनल पे या किसी और चैनल पे, वो ये चीज कहीं डिस्कस नहीं की गई कि मंदिर की प्रॉपर्टी तो अपनी जगह, लेकिन इसके अलावा कितने किलो के हिसाब से सोना था वहाँ पे, जेवर थे जो के गायब कर दिए गए हैं, जो माता हैं उनके साथ जो प्लेट होती है वो जो बताया जा रहा था, क्या सोने की प्लेट थी, माता का ताज था, और हमारे जो पुराने लोग माता का सिंगार भी चढ़ाते थे माता को, उस सोने के थे हार वार, वो तो काफी चीजें, हम तो इसलिए उस टाइम पे थे नहीं, हमारे को अभी जो पता चला अभी कुछ उसकी बहन ने भी खुलासा किया कि ये चीजें थी, ये उस चीज का तो जिक्र ही नहीं कर रहे। ये प्लाट तो 6 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ जितने का भी होगा, बड़ी चीज ये है कि सोना, कितने किलो सोना जो वहां से गायब किया गया है। और पहले भी ये खबर मेरे तक पहुंची, लेकिन मैंने इस पे बात इसलिए नहीं की क्योंकि खबर को तब तक हम नहीं आगे शेयर कर सकते जब तक कोई ऑथेंटिक चीज ना सामने आए। अब रेखा की बहन भी सामने आ चुकी है जो खुद ये कहती नजर आ रही है, जल्द उनका इंटरव्यू भी आपको देखने को मिलेगा, जो ये कहती नजर आ रही है कि ना सिर्फ वहां से मूर्ति को गायब किया गया, वहां से कहीं और शिफ्ट गया, बल्कि वहां पे बड़ी तादाद में सोना था, जेवर था, जो कि वहां से गायब कर दिए गए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले? मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूंगा और सिंध गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूंगा कि इस केस को जो है लीगल तरीके के ऊपर इसकी कार्रवाई की जाए, और जिन लोगों ने हमारी माता के मंदिर को डेमोलाइज किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, और हमें दोबारा वहां मंदिर में उसकी बनाने में हेल्प की जाए, ताकि हम वहाँ जाकर अपनी पूजा पाठ कर सके, क्योंकि वो हमारा पुश्तैनी मंदिर है, वो किसी की जागीर नहीं है। वहाँ पर कब्जा किया गया और अब ये कहा जा रहा है कि ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास एविडेंस भी है, हमारे पास पेपर्स भी हैं कि ये जगह हमारी माता की जगह है, हमारा मंदिर था, यहाँ पर कदीम मंदिर था वो जिसको डेमोलाइज किया गया है। तो मैं सिंध गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूँगा, जो भी यहाँ पर हमारे सिंध गवर्नमेंट के बड़े बड़े लोग हैं, MP है, MNA है, उनसे भी अपील करूँगा। आपसे किसी ने रابطہ किया, किसी MPA, किसी MNA ने, किसी मिनिस्टर ने, एक पीपल पार्टी के जो जिन्हें हमने बुलाया, रिक्वेस्ट की कि वो आए, लेकिन उसके अलावा किसी ने आपसे रابطہ किया? पीपल पार्टी के सिर्फ डॉक्टर राकेश आए थे, लेकिन उनका भी कोई जो है जवाब जो है वो मुतमईन हमें नहीं कर सका है। उसके अलावा तो हमारे पास कोई भी गवर्नमेंट से कोई बंदा हमारे पास नहीं आया है। हम ये दरख्वास्त करेंगे कि आए, हमसे बात करें, मीडिया से हम जो है ना दरख्वास्त करेंगे कि मीडिया आए, हमारी बात सुने और हमारी बात को आगे तक लेकर जाएं, ताकि इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो सके।
कार्रवाई हो सके और जैसे जैसे हम इस केस में डीप स्टडी में जा रहे हैं, बहुत सी ऐसी गुथियां सॉल्व होती नजर आ रही हैं, बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो हमें क्लियर होते नजर आ रहे हैं कि जो इस केस को बनाया गया है। खबर के मुताबिक पहले जोन सा है कि इसे एक कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया, पहले भी 2015 में इसे सेल करने की कोशिश की गई, फिर प्रोटेस्ट हुआ, फिर ये रुका, अब फिर सेल करने की और यहाँ पे बिल्डिंग बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगी आप इसके ऊपर, आपका आप बताएंगी? अस्सलाम वालेकुम। मैं यही कहती, देखो मेरे वाली साहब थे, मेरे ससुर हम भी पुजारी खानदान से। अच्छा। हाँ, और उस टाइम पे मीडिया भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। उन्होंने इनके ये रोके आई है उनके पास कि हमारे पास जगह नहीं है, हमें दे दो रहने के लिए, हम पूजा पाठ भी करेंगे और आपका मंदिर भी संभालेंगे। ठीक है। उनके पास वो उनका इंतकाल हो गया और हमारे कोई बड़े है नहीं रही है, ठीक है, जिनके पास सबूत है। सबूत तो है हमारे पास अभी भी, कैसे के नहीं है, मगर आपको क्या चाहिए? अब तो रेखा की अपनी बहन ये बोलती नजर आ रही है, रेखा की बहन ने भी बोला, वो भी हमने रात को सुना है, मगर ये हमें ये हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा मंदिर हमें चाहिए। गवर्नमेंट सरकार से भी हम यही कहते हैं कि हमारा मंदिर हमें बना के दिया जाए। ठीक हो गया। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इधर आ जाएं, आप इधर आए, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मंदिर हमें वापस बना के तैयार करके दिया जाए। आपको कोई उम्मीद है कि ये वापस मंदिर बना के दिया जाए? जब आप लोग आ गए तो उम्मीद बन गई है। बहुत शुक्रिया। देखें, ये मैं अकेला यहाँ पे आया हूँ जी। आपका अल्लाह आपको और तरक्की देवे, ठीक है, बहुत आगे ले जावे। आप हमारा साथ दे रहे, अल्लाह आपका भी साथ देगा, मगर आपने हमारी आवाज बहुत दूर तक पहुँचाई, हम आपके बहुत शुक्र अदा करें। हमें हमारा किसी हाल में हमें मंदिर चाहिए, हमारा पूजा पाठ करने का है तो हमें चाहिए। बिल्कुल सही है, बूढ़े हो गए हमारे थोड़े हमारे। अच्छा, आपकी इतनी एज है, आप वहाँ उस मंदिर में जाती थी पूजा के लिए? नहीं, जाते थे कभी कभी, जाए झूठ नहीं बोलना चाहिए, जाते थे। जो अभी उस मंदिर की कंडीशन है, छोटा सा वो कमरा बनाया गया है, मंदिर की उसे जगह दी गई है, या जो दूसरा जिसका प्लॉट क्लेम किया जा रहा है, क्या वो भी मंदिर आपने देखा? वहाँ पे पेड़ लगा था, मंदिर है, तेल संदूक सब चढ़ाते, हमारा भगवान का है, माता का है, वाले माता का है हमारा, ऐसा नहीं होना चाहिए। घर बनाना थोड़ी इसके ऊपर। वहाँ पे जो मूर्तियाँ मौजूद थी, क्या अभी सारी मूर्तियाँ वहाँ पे मौजूद है? अभी मौजूद तो नहीं है, मौजूद नहीं है उधर, ठीक है, मौजूद नहीं है, घर चीज नहीं है वहाँ पे। छुपाली मूर्तियाँ बोल रहे, ये सुना वहाँ से मूर्तियाँ छुपा ली, लोगों छुपा ली गई हैं। अच्छा, क्या जी सिंगर अनिल स्वामी जी, आप आएंगे, आप क्या कहेंगे? आप यहाँ इन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप इन लोगों की आवाज आगे तक पहुँचाते हैं। मुझे बताएं, आपकी बड़ी जिम्मेदारी, आपसे थोड़े तक सवाल करूंगा, आप जिस पार्टी के हैं या जिस भी पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, क्या आप उनके पास जाके नहीं बोलते कि भाई ये इतने लोगों का मसला है, इस मसले को हल किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, हम पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है, पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, जो हम अकेले वाले जितने भी रहते हैं, जितने भी हमारे तमाम मंदिर है, हमारा साथ दें, जो ये हमारे मंदिर को डैमेज किया गया है, मंदिर को दोबारा रिकंडीशन बनाया जाए। मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, ठीक है, हम गरीब लोग हैं, ठीक है, हम आपके साथ हैं, हम भी पाकिस्तानी है, हमारा हुक्म दिया जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है। और एक चीज़ जो मैंने नोट की है, यहाँ पे हर एक मिनट बाद, दो मिनट बाद पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा लगता है, ये भी एक अपने अंदर ही सवालिया निशान है कि भाई बार बार अगर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जा रहा है तो इसके पीछे नोट करने वाले ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा, मुस्लिम और हिंदू को लेकर, मतलब इंटरनेशनल मीडिया पे जब तक चीजें क्लियर नहीं की जाएंगी तो चीजें सामने नहीं आएंगी। जब ये खबर चली, मुझे खुद ऐसा लगा कि शायद मुस्लिम्स ने मंदिर को डैमेज किया है, डिमोलिश किया है, लेकिन यहाँ पे आए तो पता चला रेखा नाम की एक लेडी है जो कि हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करती है, अभी शायद खबरों के मुताबिक मुस्लिम हो चुकी है या अपना कन्वर्ट कर चुकी है, आपने भी ऐसा बोला, क्या कहेंगे मुस्लिम आपको, कहाँ पे खड़े नजर आते हैं इस केस में? नहीं, ये तो सबसे बड़ा अफसोस इस वाक्य में ये है कि जितने हमारे मुसलमान भाई है वो तो हमारे फेवर में है, ठीक है, और जो हमारी जो जिसको हमने हिफाजत के लिए मंदिर में रखा, हाँ, उसी ने जो है चंद पैसों के लिए जो है ना वो बिक गई और मंदिर को इतना जो है ना निस्बो नाबूद कर दी, ठीक हो गया। ये बहुत हिंदू मुस्लिम का यहाँ पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है, हमारे को सारे त्यौहार आजादी से मनाने दिया जाता है, ठीक है, हमारे मोहल्ले में भी आप किसी भी मुस्लिम भाई से पूछ सकते हैं, हमारे भाई हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे मैं बात करूंगा कि आप हमारे, इन्होंने बोला मुस्लिम हमारे साथ खड़े हैं, नो डाउट, मैं भी एज ए मुस्लिम यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं फखर से कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं ये भी फखर से कहना चाहता हूँ कि मैं इन भाइयों के साथ खड़ा हूँ, मैं अपनी मिनोरिटीज अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़ा हूँ। मैं ये सवाल करता हूँ अभी, मुझे ये जितने भी लोग बड़ी तादाद में खड़े हैं, मुसलमान कौन है इनमें से, मुझे बताइए, आप मुसलमान है जी? जी जी, अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? इधर आ जाए आप, मोहम्मद उस्मान भाई, क्या ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये हिंदू भाई? सर, ये अपने हक के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल इनका हक है, जो हुआ गलत हुआ इनके साथ, जिन्होंने भी किया, मगर गवर्नमेंट हाईकोर्ट तक ये बात जानी चाहिए, थोड़ा इधर आ जाए, गवर्नमेंट तक बिल्कुल बात जानी चाहिए, लेकिन ये एज ए मुस्लिम आपको, आपके ऊपर एक सवालिया निशान नहीं है कि पूरी कम्युनिटी में से, पूरे मोहल्ले में से आप अकेले यहाँ पे मौजूद हैं, बाकी मुसलमान भाई किधर हैं? सर, वो भी सामने भी मुसलमान खड़े हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है इनका? इकबाल भाई। चले, इकबाल भाई भी आते हैं, बात करते हैं, क्या कहेंगे कि ये जो इस तरीके से गवर्नमेंट बात नहीं सुन रही, यहाँ की इंतजामिया बात नहीं सुन रही, एक मंदिर, ये बताएं अगर हमारी मस्जिद को कोई हल्का सा भी खराश आती तो क्या हम ऐसे खड़े होते? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, हम क्या क्या कर देते, आगे जाते, बिल्कुल नहीं, तो क्या इनका हक नहीं है, क्या इनकी जो इबादत की जगह है उन्हें वापस मिले, ये इनका हक नहीं है? इनका हक है बिल्कुल, एहतजाज करना हर बंदे का हक है, बिल्कुल पूरा मन एहतजाज करना, पूरा मन एहतजाज हक है, ठीक है। आप क्या कहेंगे जी, आप एहतजाज तो कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बात आपकी सुनी जाएगी या सुनी जा रही है?
हमेशा हमारी बात गवर्नमेंट ने सुनी है और हम गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं। हमेशा हमारे मंदिरों की हिफाजत की गई है, जहाँ जहाँ ऐसा हुआ है हमें इंसाफ हुआ है, लेकिन ये हमारे घर के ही लोग हैं और इन्होंने इस दफ़ा ऐसा कर दिया है तो बड़ा शर्मनाक वाक्य है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। रेखा को कि इस तरह उसने किया, कोई दूसरा करता तो हम करते कि हमारे अपने हो गए, हमारे अपने दुश्मन बन गए हमारे, तो लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से एक बार फिर अपील है हमारा साथ दिया जाए, हमें इंसाफ दिया जाए, जहाँ हम गलत है हमें सजा दी जाए, अगर वो गलत है उसे सजा दी जाए। पाकिस्तान के अंदर में ऐसे तमाम तरह के आपको हिंदू मंदिर मिल जाएंगे जिसको तोड़ दिया गया है, जिसको फोड़ दिया गया है, वहां पे जो है मंदिर में गाय भैंस पाल रहे हैं, चिकन का दुकान खोल रहे हैं, भाई तमाम तरह की बातें जो है पाकिस्तान के अंदर में हो रही है। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, प्लीज एक कमेंट एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई से की ओर, दुबई से अपने गुस्से में क्या बोल दिया है वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी और सुननी समझनी बहुत ही जरूरी है। तो पहले आप दुबई से का बयान सुनिए क्या बोलते हैं दुबई से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखो भाई, प्यार और मोहब्बत कोई अपना ज़ात के लिए नहीं, कोई अपना फ़ायदे के लिए नहीं, लेकिन सिर्फ मिलने से और बात करने से और प्यार बांटने से ये भाई आया है इधर सलाम देने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इसके साथ इसके बातों से मैं मुतासर हूँ कि इधर आ गया। मेरा कोई शिकवा नहीं है, कोई कुछ किस्म का लालच नहीं है, मैं सिर्फ इस सर की वजह से इसका बात है, इसका लाइव मैंने देखा, उस पर फूल बरसाया, फिर जब मैंने इसका बातें सुन लिया तो दिल में तसल्ली हो गया। मेरा जिस्म का ये बीमारी, 10 दिन में बैठा रहा रूम पे, बीमारी की वजह से बेहोश हो जाता हूँ, तब भी इसके पास आ गया, लेकिन मैंने किसी को न शिकवा करता हूँ न कुछ करता हूँ, बस अल्लाह वास्ते, बस इसके साथ मोहब्बत हो गया और मैं इसके दफ्तर में आ गया। मेरा ये ख्वाहिश था कि मैं दुबई से हमेशा वर्कर के लिए और लेबर के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा चाहे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेश, नेपाली, कहीं के भी हो, हमेशा वर्कर के लिए ही खड़े रहते हैं। कोई कि भाई दुबई में फंस मत जाए, किसी के साथ में कोई स्कैम ना हो, हमेशा दुबई से जो है अपना वीडियो के माध्यम से अपडेट देते रहते हैं। तो प्लीज दुबई से के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।